दोस्तों आज हम आपको बताने वाले हैं भारत के MiG-21 बाइसन लड़ाकू विमानों से जुड़ी हुई खास डिटेल्स। तो इस वीडियो में अंत तक बने रहे, और उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ही ना भूलें। MiG-21 लड़ाकू विमानों को दुश्मन के विमानों, खासकर बम वर्षकों और टोही विमानों पर हमला करने के लिए डिजाइन किया जाता है। भारतीय वायुसेना ने पहली बार 1960 में MiG-21 लड़ाकू विमानों को अपने बेड़े में शामिल किया था। सोवियत यूनियन में बनाए लड़ाकू विमान सिंगल पायलट और सिंगल इंजन वाला लड़ाकू विमान है। इसमें एक R-25-300 टर्बोजेट वाला इंजन लगा हुआ है जो कि 40.2 किलो न्यूटन की पावर उत्पन्न करता है, और यह आफ्टर बर्निंग के बाद 67.2 किलो न्यूटन की पावर उत्पन्न कर सकता है। हम आपको बता दें कि भारत के पास जो MiG-21 है वो MiG-21 के सबसे उन्नत संकरण MiG-21 बाइसन है। MiG-21 बाइसन में एक बड़ा सर्च एंड ट्रैक रडार लगा है जो रडार नियंत्रित मिसाइलों को संचालित करता है और रडार गाइडेड मिसाइलों का रास्ता भी तय करता है। इसमें BVR तकनीक का भी इस्तेमाल किया गया है। BVR यानी कि बियॉन्ड विजुअल रेंज, यानी कि आंखों से ओझल चीज है। ये विमान आंखों से ओझल मिसाइल या फिर किसी भी और अन्य लड़ाकू विमान के खिलाफ कार्रवाई भी कर सकता है। MiG-21 बाइसन सुपरसोनिक लड़ाकू जेट है जिसकी लंबाई 15.76 मीटर है और इसकी चौड़ाई 5.15 मीटर है। बिना हथियारों के ये करीब 5,200 किलोग्राम वजनी होता है, और असला लोड करने के बाद ये करीब 8,000 किलोग्राम तक के वजन के साथ उड़ान भर सकता है। सोवियत यूनियन के मिकोयान गुरेविच डिजाइन ब्यूरो ने इसे 1959 में बनाना शुरू किया था। 1961 में भारत ने MiG-21 विमानों को रूस से खरीदने का फैसला किया था। बाद के समय में कारगिल के युद्ध के बाद इसे और बेहतर बनाने की प्रक्रिया चल रही है, और इसी क्रम में MiG-21 को अपग्रेड कर MiG-21 बाइसन को भारतीय सेना में शामिल किया गया है। MiG-21 बाइसन एक लाइट वेट मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट है। इसकी मैक्सिमम स्पीड 2.05 मैक यानी कि 2230 किलोमीटर प्रति घंटा है, और इसकी क्रूजिंग स्पीड है 1000 किलोमीटर प्रति घंटा। MiG-21 बाइसन 19,000 मीटर की ऊंचाई पर उड़ान भर सकता है। इसकी रेंज 1225 किलोमीटर है, और एक्सटर्नल फ्यूल टैंक के साथ ये 1470 किलोमीटर तक जा सकता है। इसके हथियारों की बात करें तो इसमें एक 23mm की कैनन लगी हुई होती है जो कि 200 राउंड फायरिंग कर सकती है। इसमें R3, R13M, R60, R60M जैसी एयर टू एयर मिसाइलें लगी हुई है। इसमें KH-66 एयर टू सरफेस मिसाइलें भी होती है। इसके अलावा ये 240mm के अनगाइडेड रॉकेट्स को भी फायर कर सकता है। 1965 और 1971 में हुए भारत पाकिस्तान युद्ध में MiG-21 का इस्तेमाल हुआ था। 1971 में भारतीय MiG-21 ने चेंगड़ू F-7 को मार गिराया था। ये भी MiG-21 का ही एक वेरिएंट था जिसे चीन में बनाया गया था, जो भारतीय MiG-21 के द्वारा गिराया गया था। दोस्तों, MiG-21 फाइटर एयरक्राफ्ट के बारे में आपकी क्या राय है ये हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। तो ये थी आज की लाइव अपडेट्स। फिर मिलेंगे देश और दुनिया की ऐसी ही नई खबरों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।